देखो प्रश्नावली 6.3 का आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा? प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज है। एक क्या है? त्रिभुज है। और इस त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, त्रिभुज कौन सा? पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर। भुजा कौन सी इसकी? पी आर। कौन सी भुजा? पी आर। और क्यू आर पर, और क्यू आर पर बिंदु एस और टी। भुजा पी आर पर बिंदु एस है और भुजा क्यू आर पर बिंदु कौन सा है? टी है। और इस प्रकार है कि कोण पी का मान कोण आर टी एस, कोण आर टी एस के बराबर है। मतलब कोण पी, ये वाला कोण इस कोण के क्या है? बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू दिख रहा बड़ा वाला त्रिभुज आर पी क्यू, छोटे वाले त्रिभुज आर टी एस के समरूप है। मतलब बड़ा वाला त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज एक जैसे हैं, बस इनके साइज में थोड़े कम ज़्यादा है ना, समरूप है। आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज और आर टी एस छोटा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे है? समरूप है। आपको यहाँ पर ये सिद्ध करके लेके आना है कि दोनों त्रिभुज कैसे है? समरूप है, ये सिद्ध करना है। तो अब हल करेंगे अपन। हल कैसे करें? मान लीजिए कि, मतलब मान लीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर तथा टी एस पर बिंदु एस तथा टी इस प्रकार दिए गए हैं कि ये बराबर है। ये आपको सवाल में ऑलरेडी दिया है। और सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर, की भुजा पी आर और क्यू आर में बिंदु, इसमें इस भुजा पी आर में बिंदु एस और भुजा क्यू आर में बिंदु टी इस प्रकार दिए गए हैं कि कोण पी, कोण पी, सवाल को उतार रहे अपन अभी जो सवाल में दिया है ना, कोण पी, कोण पी और कोण आर टी एस, ये वाला कोण, कोण आर टी एस दोनों कैसे है? बराबर है। दोनों कैसे हैं? बराबर है। इधर तुम दोनों और उधर तुम लोग ऐसी प्रकार की हरकत करोगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, बोर्ड क्लास में कभी भी 70 से ऊपर नहीं बना पाओगे। सच्चाई बता रहा हूँ मैं। एक बार मिला समय इसी प्रकार से हरकत करोगे रोज़ कोचिंग में, क्योंकि अगर तुम अगर 1 घंटे भी कोचिंग में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो ना, फिर इम्पॉसिबल है कि तुम 70 के तुम 60 से ऊपर 50 से ऊपर भी बना लो। बोर्ड में अगर अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है, इससे मेरा कुछ नहीं आने वाला, मैं पढ़ाने वाला पढ़ा रहा हूँ, समझने वाले समझ भी लेंगे। तुम जो हरकत कर रहे हो इससे घाटा तुम्हारा ही होना है, मेरा कुछ नहीं आने वाला, तुम्हारे जो आगे बैठा है उनका भी कुछ नहीं आने वाला, उनका भी ध्यान पूरा बोर्ड पे, इससे नुकसान हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो रहा है, तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो गमारी करने से अच्छा कि फिर तुम पैसा जबरन बर्बादी मत करो, है ना कि नहीं? इसलिए नुकसान तुम्हारा होना है, लाइफ तुम्हारी ख़राब होना है। अगर तुमको अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है, 90 सुपर बनाना है, अच्छा बोर्ड में रिजल्ट लेकर के आना है, कम से कम अच्छा एक ग्रेड भी बनाना है, 60-70 सुपर ही बनाना है, तो फोकस बोर्ड पे रखो। अब हरकत करोगे उठा के बाहर कर दूंगा मैं, पहले बोल रहा हूँ, भगा दूंगा, बोर्ड नहीं मिन देने वाला मैं। तो दर्शाइए कि, मतलब सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू ये वाला त्रिभुज है ना, समरूप है। ये हो गया अपना। अब त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज कौन सा? आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू ये बड़ा वाला त्रिभुज, और त्रिभुज क्यू आर और त्रिभुज आर टी एस में, त्रिभुज आर टी एस में ये छोटे वाले त्रिभुज में। अब दोनों त्रिभुज में देखो,
बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज दोनों में देखूं। सबसे पहले इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए कोण पी, ये वाला कोण, इस कोण को अपन क्या बोलेंगे, आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू। और इस छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला कोण, कौन सा कोण, कोण आर टी एस, कौन सा कोण आर टी एस, और दोनों कोण कैसे है, बराबर है। और यही सवाल में आपको ऑलरेडी दिया है, यही सवाल में क्या है तुमको ऑलरेडी दिया है, है दिया है ना। तुम दोनों जाओ बाहर, खड़े हो जाओ, अभी जाओ, खड़े हो जाओ, दोनों जाओ जाओ। देखो क्या दिया यहां पर, ठीक है ना, जाओ क्या दिया है, कोण आर पी क्यू, ये वाला कोण, ये कोण क्या होता है आपका, कोण आर पी क्यू, ये वाला कोण, कोण आर पी क्यू, ये वाला कोण, कोण आर पी क्यू। और ये वाला कोण क्या है आपका, कोण आर टी एस, ये वाला कोण, कोण आर टी एस, ये वाला कोण। दोनों कोण कैसे आपके, बराबर है, क्योंकि सवाल में क्या है आपको ऑलरेडी ये दिया है, दिया सवाल में। अब कोण क्यू आर पी, कोण क्यू आर, कोण क्यू, कोण क्यू आर पी, ये देखो, सबसे पहले इस बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला कोण इस छोटे वाले त्रिभुज के ये वाले कोण के बराबर है, सवाल में दिया है, है बराबर। अब इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए कोण आर, इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए कोण आर के बराबर है। बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण, कोण क्यू आर पी, कोण क्यू आर पी, क्लियर। इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए वाला कोण, कोण टी आर एस, कोण कौन सा, टी आर एस, इसको आप एस आर टी भी बोल सकते हो, एस आर टी, दोनों कैसे है, बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ है, कैसे है, उभयनिष्ठ है। बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण आर है, छोटे वाले त्रिभुज में भी क्या है, कोण आर है बराबर। बड़े वाले त्रिभुज के लिए कोण आर का मान, छोटे वाले त्रिभुज कोण आर के मान के क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों कैसे है, उभयनिष्ठ है, दोनों कैसे आपके, उभयनिष्ठ है। और मैंने आपको बताया था कि जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, है बराबर। ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इसके दो कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण। छोटे वाले त्रिभुज, इस छोटे वाले त्रिभुज के दो कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, कैसे होते हैं, समरूप। तो ये वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और ये वाला कोण इस छोटे वाले त्रिभुज के ये वाले कोण और ये वाले कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे आपके, समरूप होंगे, कैसे होंगे, समरूप। मतलब त्रिभुज पी क्यू आर, बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज आर टी एस, त्रिभुज आर टी एस, ये छोटा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे आपके, समरूप होंगे, कैसे होंगे, समरूप होंगे। कौन सी समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, जब एक त्रिभुज के दो, पहला कोण दो कोण यदि कैसे बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होते हैं। बन जाएगा सवाल, जो समझ में नहीं आएगा पूछ लेना, है ना। अब प्रश्न क्रमांक छः, छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक छः क्या बोल रहा है, छठवां प्रश्न ये बोल रहा है, यदि त्रिभुज ए बी ई, यदि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, देखो अच्छे से, त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, यदि त्रिभुज ए बी ई, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ए सी डी,
ए सी डी, ये वाला त्रिभुज, यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये काय का चिन्ह होता है, सर्वांग समता का चिन्ह होता है, काय का चिन्ह होता है, सर्वांग समता का, यदि दोनों त्रिभुज कैसे है, सर्वांग सम है, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई ये छोटा वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ये बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे आपके समरूप है, आपको यहाँ पर ये सिद्ध करके लाना है। सवाल में क्या दिया है, सवाल में ये दिया है कि ये वाली आकृति और ये वाली आकृति बिल्कुल सर्वांग सम है, मतलब एक दूसरे की बिल्कुल डिक्टो कॉपी है, बिल्कुल फोटो कॉपी है, जैसी आकृति ये वाली है सेम वैसी आकृति ये वाली भी है, दोनों आकृति सर्वांग सम है, तो ये सिद्ध करो कि ये वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे आपके समरूप है, मतलब एक ही। सर्वांग सम का मतलब होता है कि जैसे कि ये दोनों आकृति बिल्कुल सर्वांग सम है, बिल्कुल एक दूसरे की जैसी है, जो साइज इसका है वही साइज इसका है ना, ये सर्वांग सम हो गई, क्या हो गई ये सर्वांग सम, ये क्या हो गई तुम्हारी सर्वांग सम, कि ये वाली आकृति और ये वाली आकृति बिल्कुल एक दूसरे की जैसी है, सर्वांग सम है। और समरूप का मतलब जो होता है कि ये एक आकृति है, इसी को अपन ने छोटी कर दी है, दिखेगी बिल्कुल इसके जैसे लेकिन साइज चेंज होगा, और ये सिद्ध करो कि ये वाला त्रिभुज जो है वो इस बड़े वाले त्रिभुज के कैसे है, समरूप है, मतलब बिल्कुल एक जैसे है, ये तुमको सिद्ध करके लेके आना है। अब हल करेंगे, चूंकि सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, चूंकि, देखो चूंकि हमको सवाल में क्या दिया है, दिया है क्या दिया सवाल में हमको, हमको सवाल में दिया है त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई है ना, और त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, दोनों त्रिभुज कैसे है, समरूप है, सर्वांग सम, सॉरी ये काक चिन्ह होता है सर्वांग सम का, दोनों त्रिभुज कैसे है, सर्वांग सम है, कैसे दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम है सर्वांग सम दोनों त्रिभुज, सवाल में आपको दिया है। तो सी पी सी डी नियम क्या बोलता है, सी पी सी डी नियम ये बोलता है कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होगी, बराबर होगी, मतलब कि इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए ए बी भुजा का मान, ए बी भुजा का मान, इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए ए सी भुजा का मान, ए सी भुजा का मान, दोनों मान कैसे होंगे आपके, बराबर होंगे, इसको हमने क्या नाम दिए, समीकरण एक नाम दिए, सी पी सी डी नियम, कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, और इस त्रिभुज के लिए ए ई भुजा, कौन सी भुजा, ए ई भुजा, और इस त्रिभुज के लिए ए डी भुजा, इस त्रिभुज के लिए कौन सी भुजा, ए डी भुजा, दोनों भुजाएं कैसी होगी, बराबर होगी, कैसी होगी, बराबर, क्यों बराबर होगी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा है, कैसी होती है, बराबर होती है, तो इस त्रिभुज के लिए ए ई भुजा, ए ई भुजा, इस त्रिभुज के लिए ए डी भुजा, कौन सी भुजा, ए डी भुजा, कि क्या होगी, बराबर होगी, इसको हमने क्या नाम दिए, समीकरण दो नाम दिए, क्या नाम दिए, समीकरण दो नाम दिए। अब समीकरण दो में समीकरण एक का भाग दे देंगे, समीकरण दो भागी समीकरण एक से भाग देंगे, तो लेफ्ट हैंड वाले से लेफ्ट हैंड वाले का भाग देंगे और राइट हैंड वाले से राइट हैंड वाले का भाग देंगे, मतलब ए ई में अपन ए बी का भाग देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ई बटे ए बी, क्या हो जाएगा, ए ई बटे ए बी, बराबर का बराबर, और ए डी में ए सी का भाग देंगे, ए डी में किसका भाग देंगे, ए सी का भाग देंगे, मतलब ए डी बटे ए सी, क्या कर दिया अपन ने, ए डी बटे ए सी, इसको अपन ने समीकरण तीन नाम दिए, क्या नाम दिए, इसको अपन ने समीकरण तीन नाम दे दिए, क्लियर बन जाएगा। अब समीकरण तीन नाम अपन ने इसको दे दिए, दे दिए, अब इसके बाद
त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज कौन सा, ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, तथा त्रिभुज ए बी सी में, तथा त्रिभुज ए बी सी में। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो, सबसे पहले इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण, इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण, ठीक, इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये वाले कोण, दोनों कोण बराबर है। त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई के लिए ये वाला कोण, इस कोण को अपन क्या पढ़ेंगे, क्योंकि कोण डी ए ई, क्या पढ़ेंगे, डी ए ई, ये वाला कोण, डी ए ई, ये वाला कोण, और इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी ये वाला कोण बी ए सी, कौन सा कोण, बी ए सी, दोनों कोण कैसे आपके बराबर है, कैसे है दोनों कोण बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ है, कैसे है, उभयनिष्ठ है। इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण, इस बड़े वाले त्रिभुज के ये वाले कोण, दोनों कोण के क्या है, बराबर है, है बराबर, क्योंकि दोनों कोण कैसे आपके उभयनिष्ठ है, कैसे आपके दोनों कोण उभयनिष्ठ है, दोनों कोण उभयनिष्ठ, इसलिए बराबर है, बराबर। चलो अब साथ ही साथ समीकरण तीन ये है, क्या बोल रहा है, ए ई बटे ए बी, ए ई बटे ए बी बराबर का बराबर ए डी बटे ए सी, ए डी बटे ए सी। इस त्रिभुज के लिए ए ई भुजा, छोटे वाले त्रिभुज के लिए ए ई भुजा, और बड़े वाले त्रिभुज के लिए ए बी भुजा, ए ई भुजा और ए बी भुजा का अनुपात, और इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए ए डी भुजा, छोटे वाले त्रिभुज के लिए ए डी भुजा, और बड़े वाले त्रिभुज के लिए ए सी भुजा, बड़े वाले त्रिभुज के लिए ए सी भुजा, और दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा है आपका, बराबर है बराबर, क्लियर। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, सबसे पहले पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, और पहले त्रिभुज की एक भुजा और दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा का अनुपात, और पहले त्रिभुज की एक भुजा और दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा का अनुपात कैसा है, बराबर है, मतलब भुजाएं कैसी आपकी, समानुपात में है समानुपात में। देखो बारीकी से देखो, एक त्रिभुज, पहले त्रिभुज के लिए ये वाला कोण है ना दूसरे त्रिभुज के लिए ये वाले कोण के बराबर है बराबर, उभयनिष्ठ है। साथ ही साथ इस छोटे वाले त्रिभुज की ए ई भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की ए बी भुजा का अनुपात ए ई बटे ए बी, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ए डी और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ए सी, ए डी और ए सी का अनुपात, दोनों अनुपात कैसे है, बराबर है बराबर। तो जब दो भुजाएं समानुपात में हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, कैसे होते हैं, समरूप। इस त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण, इस त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच के कोण के बराबर है, और भुजाएं समानुपात में, भुजाएं कैसी है, समानुपात में है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। ये होता है समरूपता का चिन्ह, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, ये छोटा वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे आपके, समरूप होंगे। कौन सी समरूपता से, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता से, क्लियर।